हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, मैं आपका परिचित दोस्त हाजिर हूँ फिर एक जड़ी बूटी की बहुमूल्य जानकारी के साथ। एक पपीता का पत्ता ही काफी है गंभीर और जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। 80 साल तक स्वस्थ रहने का राज छुपा है इस पत्तों में। तो आइए जानते हैं कि पपीता का पत्ता किस प्रकार से सेहत के लिए फायदेमंद है। पपीता के पत्तों में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। इसमें रोग प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं जो कई रोगों से बचाता है, जो सभी प्रकार के कैंसर में फायदेमंद होता है। इसके पत्तों के सेवन से शरीर पूरी तरह स्वस्थ बनता है। यह डेंगू के अलावा चिकनगुनिया में भी बहुत फायदेमंद है। यह मलेरिया को दूर करता है। पपीता के पत्तों के जूस में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये औषधीय गुणों का खजाना है। डेंगू, मलेरिया, ब्लड शुगर, कैंसर, दिल की बीमारी और आंतों में बसे हुए परजीवों को ये नष्ट कर देता है। ये खून में प्लेटलेट्स की मात्रा को जल्दी से बढ़ाता है। पपीता के पत्तों के जूस को दूसरे फलों के जूस के साथ मिलाकर भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। पपीता के पत्तों में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये सभी प्रकार के कैंसर में लाभकारी होता है। इसके सेवन से सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जिगर और फेफड़ों के कैंसर से बचा जा सकता है। ये खून में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। इसके पत्तों में 50 से ज़्यादा एक्टिव सामग्री पाई जाती है जो सूक्ष्म जीवों, कीड़े, परजीवी और कैंसर के परजीवी को बढ़ने से रोकते हैं। इसके सेवन से व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स काफ़ी बढ़ता है, जो डेंगू में सबसे प्रभावशाली होता है। डॉक्टर भी इसके जूस पीने की सलाह देते हैं। ये जिगर की क्षति को रोकता है। लगभग एक गिलास पानी में इसके पत्तों को उबालकर साथ में इमली और नमक मिलाकर इसे ठंडा होने के बाद इसका सेवन करने से कई प्रकार की महामारी ठीक होती है। इसके अलावा इसके पत्तों का रस निकालकर 2 चम्मच की मात्रा में लगातार कुछ सप्ताह निरंतर पिए। जो लोग डेंगू से ग्रसित हैं, इनके लिए पपीता के पत्तों का रस किसी वरदान से कम नहीं है। पपीता के पत्तों का जूस पीने से गिरते हुए प्लेटलेट्स बढ़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त खून के थक्के जमने से भी ये रोकता है, जो डेंगू वायरस के कारण होता है। इसके अलावा ये मलेरिया को रोकने में भी सहायक होता है। ये महिलाओं में महामारी रोकने में बहुत लाभकारी है। इमली और नमक मिलाकर पपीता के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।